तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद होगा आप मजे में होंगे। भगवान आप सभी को सलामत रखे। तो आज की ब्लॉक बहुत ही मोटिवेशनल वाली होगी। आज आपको अपना जिसमें हम रहते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए, ये घर है, इस बाउंड्री किया गया है, इसकी हालत बहुत ख़राब है। इस घर में हम रेंट के किराए पर रहते हैं। अभी मैं आपको अंदर जाकर बता रहा हूँ। ये मेरा छोटा भाई मौसी का लड़का है। ये बहुत शरारती है लेकिन नटखट भी है। ये कुछ आपको बताओगे क्या? बताओगे बाबू, क्या घर के बारे में आप बताओगे? बताओ, हाँ कहो। हाँ बताएंगे। ये कह रहा है दिखाएंगे। चलो दिखाते हैं आपको अपने घर के बारे में। तो ये देखिए भाई साहब, ये घर है जिसकी हालत बहुत खराब है। ये इसमें ना पानी का प्रबंध है, ना देखो दरवाजे दरवाजे कुछ नहीं लगे, फिर भी हम रेंट पर रहते हैं, टाइम पास करते हैं। ऐसी हमारी रहने की स्थिति खराब है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये बकरियां हमने रखी हुई हैं, 6 बकरियां हैं। ये देखिए सबकी माँ वो जा रही है वहां पर। देखिए इधर आओ, कहाँ जा रही हो? ये देखिए सबसे छोटा मेमना है। तो ये देखिए, मैं सवेरे के टाइम पत्ता लिया दिया था इनको खिलाने के लिए। ये देखिए भाई साहब, पत्ते खा रहे हैं मेरी बकरियां। सबसे ये क्यूट सा ये मेमना देखता है, बहुत शरारती है, खोल लेता है। ये देखिए छोटा सा ये मेमना है, बहुत शरारती करता है। ये देखिए भाई, तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरी हमर है, साइकिल है। इसी पर हमें बाजार जाना हो, कहीं भी जाना हो, इस पर जाता हूँ। ये देखिए साइकिल मेरी, इसको मैं हमर बोलता हूँ। ये बहुत ही यूजफुल मेरे लिए है, क्योंकि इससे ही मैं करता हूँ काम अपना। तो दोस्तों मैं आपको बारे, ये इतना खाली सा जो जगह है, इसमें मैं सब्जियाँ वगैरह बीजता हूँ। ये पुदीना हमने लगाया हुआ है, ये देखिए। और ये बैगन थोड़ा बहुत लगाया हुआ है वहाँ पर, लक्कर वगैरह रखी हुई। एक पपीता भी लगाया हुआ, लेकिन यहाँ की जो धरती है वो उपजाऊ नहीं है, इसमें पपीता का फल एक भी नहीं लगता है। तो अब मैं आपको बरसात वाली सब्जियां दिखाऊंगा। अभी इनका ग्रोथ इतना ही हुआ है। इसमें तोरी और राम तोरी का लगा हुआ है, ये कद्दू का ये पेड़ है, ये देखिए। ये हमने करेला भी लगाया हुआ है, यहाँ पर भी लगाया हुआ है, क्योंकि 2 महीने में ये बेले तैयार हो जाएंगे हमको सब्जी देने के लिए। ये देखिए मैंने अब इनको आज अच्छे से गुदाई कर इनके ठीक करूंगा, तभी ये इनका ग्रोथ होगा मेरे भाई। ये देखो लौकी का 2 पेड़ है, यहाँ पर भी हमने कद्दू लगा दिया है, यहाँ पर सेम का वृक्ष, सेम का भी लगा दिया है पौधा। यहाँ पर हमारी लकड़ियां रखी हुई है, और इधर से मैं अपने घर का नजारा कंडीशन दिखा रहा हूँ। ये देखो कैसे हालत, ये हमने पेड़ लगाया था, इसकी हालत देखो कैसी है। लेकिन इसमें पेड़ हमने लगाया है कि रात को शुद्ध हवा हमें मिलती रहती है, प्रदूषण से भी बचे रहते हैं। ये हमने बनाया हुआ है, इसमें लंबा एक्सरसाइज करने के, यहाँ पर स्टंट स्टुंग थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बॉडी की फिटनेस बनकरार रहती है। ये मेरा बाबू है, ये भी स्टंट करता है, ये बहुत शरारती है। बाबू कर कर दिखाओगे स्टंट एक बार? ये बाबू स्टंट करेगा, आपको दिखाएगा मेरे दोस्तों। ये चढ़ रहा है, ये बहुत शरारती है, लेकिन ये बहुत फिटनेस भी है। देखियो आपको स्टंट कर कर दिखाएगा। ये देखिए कर कर दिखाओ बाबू, ये देखिए ऐसा स्टंट करेगा। कम से कम ये पोल की लंबाई 6 फुट की ऊंचाई है, इस पर देखो कैसा स्टंट मेरा बाबू कर रहा है। इसका नाम पवन है, ये मौसी का मेरा छोटा है लड़का है, बड़ा शरारती और क्यूट है। ये देखो बाबू और दूसरा स्टंट कर कर दिखाओ। ये बाबू देखो स्टंट अच्छे से अच्छे कर लेता है, मेरा बाबू स्टंट करने में माहिर है। ये देखिए जंप मार कर दिखाओ बाबू, अपने फ्रेंड को जंप मार कर दिखाओ वहां से दम। ये आपको जंप मार कर दिखाएगा, यहाँ पर नीचे देखना, जंप मार कर दिखाओ मेरे बाबू। ये देखो कैसे कर रहा है, चलो बाबू ये देखो जंप मार दिया। तो ये देखिए मेरे दोस्तों, मेरी बकरियां हैं, ये सबसे बूढ़ी है, सबकी माँ है ये।
सवेरे हमने इसके लिए पत्ता लिया दिया था, पत्ता खा रहे हैं थोड़ी बहुत। आज बारिश का भी मौसम है, सूरज निकलता है कभी छुपता है। ये देखिए घर की कंडीशन, ये देखिए ना इसमें खिड़की है, ऐसे हम ऐसी हालत में रहते हैं, ऐसी हमारी स्थिति खराब है। अगर आपको विश्वास नहीं हुआ, ये अपनी रियल वीडियो बना रहा हूँ आपका ब्लॉग, अगर अच्छा लगे तो खूब सपोर्ट करना मेरे भाई। तो ये घर का जो गली है, ये देखिए यहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है। देखिए ये बच्चा जा रहा है, ये बाल्टी है देखिए। तो ये देखिए भाई साहब, ये पंखा है, ये चरपाई है, इसमें मैं सोता हूँ, ये मेरे सोने का कमरा है, देखो कैसी हालत है। ये मेरे मम्मी जी ने बहुत प्यार से ये बनाया है, ये देखिए कितना सुंदर है। इसमें पूजा करने के लिए मम्मी जी ले जाती हैं, ये बनाया हुआ है। और ये सब डब्बा पर है, इसमें अचार आम का है, मिर्ची का अचार है। ये देखिए भाई साहब, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला, इसको दिखा दे रहा हूँ। ये मेरा छोटा भाई है, ये काम ना धंधा करता है, दिन भर मोबाइल चलाता है, बैठे रहता है। तो इसके अंदर एक और कमरा है, इसमें ठंडा बहुत ही रहता है, ये अंधेरा है, लाइट का भी प्रबंध नहीं है, इसकी भी हालत बहुत खराब है मेरे दोस्तों। अभी लाइट जा चुकी है, ये देखिए भाई साहब। तो ये देखिए दोस्तों, जहाँ हमारा खाना बनता है, यहाँ पर एक चूल्हा है, ये देखिए चूल्हा, चूल्हे की भी हालत बहुत खराब है। यहाँ पर ये लकड़ी पड़ी हुई है, इसमें मसाले वगैरह सब रखा हुआ है। ये देखिए आज साहब, नमक नमक सब रखा हुआ है यहाँ पर। तो ये देखिए दोस्तों, ये नलका कई दिनों से खराब है, क्योंकि हम पंजाब की धरती पर रहते हैं, तो यहाँ का जो पानी का लेवल है वो 150 फुट नीचे चला गया है, क्योंकि यहाँ को जो खेती है होती है, धान की खेती में ज़्यादा पानी जाने के कारण ये नलका पानी देने से हट गया है, और इसमें पानी भी नहीं आता, इसीलिए हम बाहर से पानी लाते हैं। ये देखो और बकरियाँ बहुत आराम से पत्ते खा रही हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पूजा वगैरह होता है, यहाँ पर हमने मंदिर छोटा सा बनाया हुआ है। ये देखिए फोटो लगे हुए माता लक्ष्मी की, चिंतपूर्णी माँ की फोटो लगे है। ये मैं घूमने गया था अजमेर साहिब की फोटो लगी हुई है, ये देखिए भाई साहब। और ये देखिए, ये बहुत ही आकर्षणीय माता जी का फोटो है। ये देखिए भाई साहब, कुछ सामान सुन यहाँ पर रखा हुआ है, देखिए भाई। तो दोस्तों ये बहुत ही, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, और अच्छी से अच्छी मैं अपने घर का ब्लॉग और कहीं कहीं का ब्लॉग बनाऊं, और आपको शेयर करें, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, और जी करता जो देखें वो सपोर्ट करें। नमस्ते, गुड बाय, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय मेरे दोस्तों।